बड़ी खबर आ रही है, जगदानंद सिंह होंगे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ, जिन नामों पर चर्चा चल रही थी यहां पर कहीं ना कहीं एक नाम पर सहमति बनी है और नाम होगा जगदानंद सिंह का, जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। प्रदेश की कमान इनके हाथों में होगी, रामचंद्र पूर्वे की जगह लेंगे जगदानंद सिंह। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जगदानंद सिंह होंगे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ, जिन नामों पर चर्चा चल रही थी यहां पर कहीं ना कहीं एक नाम पर सहमति बनी है और नाम होगा जगदानंद सिंह का, जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। प्रदेश की कमान इनके हाथों में होगी, रामचंद्र पूर्वे की जगह लेंगे। तो करीब 10 बजे ही न्यूज 18 बिहार झारखंड ने यह खबर दिखा दी थी कि जगदानंद सिंह आरजेडी के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और इस खबर पर मुहर भी लगी। इस तरह सियासत से जुड़ी बड़ी खबर को एक बार फिर से न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सबसे पहले दिखाया और इसके बाद हमारे सहयोगी ने जगदानंद सिंह से बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा कि उन्हें इसकी जानकारी न्यूज 18 बिहार झारखंड से ही मिली। जगदानंद सिंह हैं नए प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के। जगदा भाऊ, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और शुरुआत से न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर दिखाई कि जगदानंद सिंह हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। पहले तो न्यूज 18 की तरफ से आपको बधाई और कितनी बड़ी जिम्मेदारी, चुनौती आप ही के इस न्यूज में दिखाने के चलते मुझे भी मालूम हुआ कि पूर्वे जी ने कहा है कि जगदानंद अब आगे देखेंगे। ये किसने कहां से कह दिया पहले? ये फिर मतभेद कायम। कुछ लोग निहित स्वार्थ वाले राष्ट्रीय जनता दल की एकता और जनता से सामंजन्य नहीं चाहते हैं। मैं एक ही बात आपसे कह सकता हूं, हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है, टीम एक है। कुछ देर के लिए टीम का कौन कप्तान होगा और कप्तान के आने जाने से देखो बात नहीं बिगड़ती है। ये पूरी टीम एक साथ खेल के मैदान में 2020 के लिए कितने 2020 के लिए कितनी बड़ी चुनौती। मैं आपसे धार्मिक उन्मादियों को परास्त करने के लिए, समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए बिहार में जो शुरुआत 2020 में होगी, देख लेना, यही भविष्य का रास्ता होगा इस देश का। धार्मिक उन्मादियों को परास्त करके, समाजवादी आंदोलन को हम लोग मजबूत करके, समता मूलक समाज का बनाने की सरकार का हम लोग। जगदा बाबू, आपको लोग संकट मोचक कहते हैं, लालू जी के सबसे संकट के समय में 1997 में भी आप इस तरह से पार्टी को संभाले और आज फिर जब 2020 की बड़ी लड़ाई है तो आपके ऊपर, कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। पहले एक बात आप जान लो, इस देश की संकट में पड़ी हुई जनता की लड़ाई जगदानंद लालू प्रसाद एक साथ मिलकर के छात्र जीवन से, हम लोग केवल सरकार बनाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हम लोग कोई सरकार के कुर्सी पर बैठे नहीं है और कुर्सियों के लिए हम लोग सरकार तोड़ते नहीं है, सरकार नहीं बनाते हैं। हमारी लड़ाई है हम लोग छात्र जीवन से, इसी में से कुछ रद्दी लोग भागते चले गए हैं और समाजवाद को कमजोर किया है। कभी भी ऐसे लोगों को भारत के इतिहास में आपने कुछ लोग ये कह रहे हैं विरोधी आपके कि दोनों भाइयों को संभालना बड़ी चुनौती होगी आपको, तेज प्रताप और तेज क्या चाहिए, दोनों भाइयों को एक साथ लेकर। आप एक बात समझ नहीं पा रहे हो, हम लोग लाखों करोड़ों भाई सब एक साथ हैं, दोनों भाई हमारे ही परिवार के हिस्से हैं और उन्हीं का ये पूरा परिवार हिस्सा है, इसलिए ख्याल कर लेना पूरा परिवार एक है, इसमें कहीं कोई मतभेद ही नहीं है और जो मतभेद की आशा करते हैं उनको निराशा हाथ लगे। तो ये जगदानंद सिंह हैं और किस तरीके से न सिर्फ दावा कर रहे हैं कि 2020 में एक बड़ी लड़ाई है और जगदानंद सिंह खुद भी मानते हैं कि एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन दोनों भाइयों को साथ लेकर चलेंगे, तेज प्रताप तेजस्वी साथ रहेंगे और उससे भी बड़ी बात कि जो लोग अगर इसमें खोज रहे हैं कि मनभेद और मतभेद उभरेंगे तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उनके कंधों पर अगर चुनौती मिली है तो बखूबी वो निभाएंगे, 2020 में सबको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और इससे पहले बिहार विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने पहुंचे तेज